नमस्कार बच्चों, लीजिए आज कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र का एक सेट देखिए। और ये लास्ट सेट है, कृपया इनका अच्छा से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ेगा। कृपया पॉज करके देखिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और क्लास 10 का करके आप वहाँ से आप छाट सकते हैं। तो प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखना, 5 नंबर का रहेगा। sin²90+cos²90=, ये जब दो समान रहेंगे दोनों के दोनों तो 1 ही होता है, चाहे थीटा रहे चाहे 1 रहे चाहे 90 रहे चाहे जो भी रहे, sin²θ+cos²θ=1 ही होता है, इसको आप ध्यान देंगे। और इसी में 4-5 क्वेश्चन और हैं, इनको देखिए, ये किस चतुर्थांश में है, लास्ट 5वां। उसी तरह से हमारा खाली स्थान भी 5 नंबर का रहेगा, इसको भी आप कृपया पॉज करके देखिए। सत्य असत्य यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे और इनका भी अच्छा से तैयारी कीजिए, आप कितना बना पाते हैं इससे आपको अपना आकलन करने में सरलता होगी। इसी तरह से 2 से जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, अनुपात समानुपात का, आंकड़ा का और त्रिकोणमिति, बीच की दूरी याद करना दो बिंदुओं की, 5वां। छठवां है आपका वर्ग समीकरण दिया हुआ है तो विभेदक ज्ञात कीजिए। 7वां है गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना। 8वां है पदों की संख्या ज्ञात करना समांतर श्रेणी का। और इसी तरह से हमारा 9वां है सिद्ध करने के लिए कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। क्षेत्रमिति से 10वां में दिया गया है, वक्रवृत्त का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दिया हुआ है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। इसी तरह से 11वां है आपका आलेख खींचने के लिए, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है तो आलेख खींचना है। यहाँ पर अथवा में दिया है सरल रेखा 5x+6y=7 को y=mx+c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा वाई अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। रचना में आपका दिया गया है 12 नंबर में PQR की रचना कीजिए, जब AB=2/3 PQ हो। और परिगत वृत्त की रचना करना अथवा में दिया गया है, तो इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका नंबर अच्छे से आए। 13 है शंकु का व्यास और ऊंचाई दिया गया है तो उसका वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। सूत्र में आप मान रखेंगे, सूत्र आपको रट लेना चाहिए सभी को। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुलक एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, इसको निकालना सीखिए देखिए और अपना आकलन कीजिए। विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या मध्यिका 2 में दिया गया है अथवा में। एक आपका है आवर्ती जमा का रजत सेंट्रल बैंक है आप इंडिया में, ₹100 प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उसे ₹222 ब्याज मिलेगा। इसी तरह से हमारा आयकर एक निश्चित रहता है, तो इसको देखिए, वित्तीय वर्ष 14-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय ₹40,000 है तो इसको आप वार्षिक में बदल देंगे, उसके बाद बाकी गणना करेंगे। नीचे आपका जो है कर की गणना करने के लिए चार्ट दिया गया है। अधिभार यहाँ पर दिया गया है 1,10,00,000 रुपया हो, शिक्षा उपकर दे 3%, यह हमेशा रहता है। 16 नंबर है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC, तो सिद्ध कीजिए कि AB²+CD²BD²+AC²। या सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर से रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यह वाला क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है।
संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। लास्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कास्ट थीटा प्लस 1 प्लस कास्ट थीटा अपान साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। अंतिम प्रश्न है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों का अवनमन कोण टीले की विपरीत और 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बच्चों इन सबको अच्छे से तैयारी कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए जुड़े हों तो, और मैं जो है आगे आपके लिए बहुत प्रयास करता रहूँगा ताकि आपका नंबर अच्छा है। धन्यवाद।